कक्षा 10 अध्याय 14 सांख्यिकी प्रश्नावली 14.2 इसका पांचवा प्रश्न है। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, यही सारणी हमें दी गई है। सबसे पहले है अधिकतम बारंबारता। तो यदि इसमें देखें तो बल्लेबाजों की संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 18। इसका मतलब यह है कि अधिकतम बारंबारता यानी सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 18। तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा बहुलक वर्ग हमें प्राप्त होगा वो है 4000 से 5000। इसी बहुलक वर्ग के आधार पर जो इसकी निचली सीमा है L वो होगी 4000। F1 यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता वो होगी 18। F0 होगा 4, F2 होगा 9 और H ये होगा जो सभी वर्गों में ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर है। यानी कि हम देख सकते हैं बहुलक वर्ग में 5000 माइनस 4000 अर्थात 1000। तो H हमें प्राप्त हुआ 1000। तो आइए अब हम इस फॉर्मूला की मदद से बहुलक निकालते हैं। बहुलक का फॉर्मूला है, बहुलक का सूत्र है L+F1 माइनस F0 माइनस 2 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ऊपर दी गई हुई सभी वैल्यूज जब हम फार्मूला में डालें तो L की जगह 4000, F1 की जगह 18, F0 की जगह 4, F2 की जगह 9 जब हम डालते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4000 ऐसे ही आएगा, 18 में से 4 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 14, और नीचे 18 दुना 36, 36 में से जब 13 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 23 गुना 1000। तो 4000 प्लस जब ये ब्रैकेट को हल करके 1000 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 608.7। और 4000 में 608.7 प्लस करने पर हमें प्राप्त होगा 4608.7। दोस्तों हमारा जो बहुलक है वो है 4608.7, 4608.7। धन्यवाद।